फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति क्लासेस। आज से हम शुरू कर रहे हैं आपके क्लास टेंथ के मैथ्स का क्रैश कोर्स। उसमें हम सारे के सारे मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चैप्टर वाइज हम करने वाले हैं। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर वन जो मैथमेटिक्स का है, जिसका नाम है रियल नंबर। तो इसमें हम सारे के सारे सॉल्यूशन करेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और यकीन मानिए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रस्ट करके इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको 10 ईयर को एनालाइज करके आपको डाला गया है, इसलिए तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर वन से। तो आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एन आर्मी कंटेंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर इज अ परेड। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो यहाँ पर क्या है, आर्मी के टोटल 616 मेंबर है, जिसमें कि वो बैंड बना रहे 32 मेंबर का। इन्होंने कहा कि दो ग्रुप्स को क्या करना है, मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम में। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अगर आपसे मैक्सिमम नंबर करके कुछ भी क्वेश्चन पूछता है, तो इट मीन्स कि उस क्वेश्चन में आपसे वो HCF निकलवाना चाह रहा है। और अगर क्वेश्चन में आपको मिनिमम करके पूछता है, तो समझ लेना कि आपको LCM निकलवाना चाह रहा है। तो जो भी आपको दो डिजिट गिवन है यहाँ पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ 616 एंड 32 टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो इस तरीके से ही आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन मतलब कि सॉल्यूशन इसी वे में लिखना है, जिससे क्या हो आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट ना हो, क्योंकि स्टेप के भी मार्क्स है वहाँ पर। उसके बाद हम HCF यहाँ पर निकाल रहे हैं यूक्लिड एल्गोरिथम से। बाकी आप इसको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको किस मेथड से निकालना है। तो आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से भी यूज कर सकते हो, बट यहाँ पे हमने यूक्लिड मेथड को यूज किया है। तो हमने क्या करा, 616 को 32 से डिवाइड किया, और उसके बाद फाइनली जो इसका HCF निकल कर आया, वो निकल कर आया 8। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स ईच, कि वो 8 कॉलम ईच में वो इस तरीके से मार्च कर सकते हैं। दोनों का जो भी HCF निकलेगा, वही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन तो आपका हर बार आता है, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मतलब किसी साल भी ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता हो। तो ये क्वेश्चन तो आपका कन्फर्म है, आपका 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर आपको इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सपोज क्योंकि इस क्वेश्चन को जो हम सॉल्व करते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं कि रूट 5 इज रेशनल। इट मीन्स अगर कोई भी रेशनल नंबर है, तो इट मीन्स क्या है कि हम उसे a अपॉन में b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो उस तरीके से हमने लिख दिया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके a इज इक्वल टू b रूट 5 हो गया। उसके बाद आपको क्या करना होता है, दोनों साइड हम स्क्वायर्स करते हैं, बट इस चीज़ को आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उसके बाद आपका आ गया 5b² इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो इट मीन्स क्या है कि इट मीन्स यहाँ पे ये शो हो रहा है कि आपका क्या है कि जो 5 है वो a स्क्वायर का फैक्टर है, क्योंकि अगर 5 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो वो डिवीजन में आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ a। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका 5 है वो a का फैक्टर है बाय थ्योरम। नेक्स्ट आपको लिखना होगा, ये 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, इट मींस दैट वी कैन राइट a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। तो इट मींस हम a की जगह हम 5c जो आपका इक्वेशन 1 में आया था, उसकी जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और उसके बाद जो इक्वेशन निकल कर आएगा वो हमारा निकल कर आएगा b² इज इक्वल टू 5c². तो यहाँ से अब ये लग रहा है कि आपका जो 5 है वो किसका फैक्टर है, b² का, जबकि लास्ट टाइम हमारे फर्स्ट इक्वेशन से ये निकला था कि आपका जो 5 है वो a² का फैक्टर है। तो इट मींस क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका सेकेंड और थर्ड इक्वेशन है, उसमें से कि जो 5 है उन लोगों ने क्या कह दिया कि ये दोनों का ही फैक्टर है, जबकि क्या है a और b आपके क्या है, को प्राइम है। इसीलिए हमारे जो ये कॉन्ट्राडिक्शन की सिचुएशन आ गई, तो इट मीन्स हमारी जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रूट 5 हमारा रेशनल नहीं है। इट मीन्स क्या है, दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो इस क्वेश्चन को आपको इसी प्रेजेंटेशन में लिखना होगा, तभी आपके मार्क्स मिलेंगे पूरे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। तो यहाँ पर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके HCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन की जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपका 2 या 3 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। तो इसलिए इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें हमें सिंपली कुछ करना नहीं होता है, सबसे पहले आप क्या करते हो, स्मॉलेस्ट डिजिट को हम डिवाइड करते हैं, जो भी आपका लास्ट डिजिट होता है, और उसके बाद फर्दर हम उसको डिवाइड करते जाते हैं, जब तक कि जो उसका रिमाइंडर है वो 0 ना बच जाए, और उसके बाद जिससे वो लास्ट टाइम में कम्प्लीटली डिवाइड होता है, वही आपका HCF होता है। तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमारा HCF जो आया है वो 4 आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23 एंड देयर LCM इज
1449 वन नंबर इज 161 फाइंड द अदर. तो इस क्वेश्चन का मतलब इस फॉर्मूले पे बेस्ड आपका हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है. जिस इस फॉर्मूले को आप माइंड में अच्छी तरीके से रख लीजिए कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू में सेकंड नंबर. वहाँ पर नंबर्स आप ए बी पी क्यू कुछ भी मान सकते हो. तो इस फॉर्मूले के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर पूछते हैं. समटाइम्स क्या करते हैं वो HCF LCM दे देते हैं और आपसे एक नंबर देकर सेकेंड नंबर पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है दोनों नंबर्स देकर HCF देकर फिर LCM पूछ लेते हैं. मतलब इन चार चीज़ों में से आपको तीन चीज़ें ऑलरेडी गिवन होंगी और एक आपको निकलवा लेंगे. तो यहाँ पर भी हमने क्या करा, सिंपली इस फॉर्मूले को पुट करके हमारा आंसर निकल गया है. तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर था 161 था, तो उसके बाद जब हमने इस फॉर्मूले को यूज़ किया तो हमारा जो अदर नंबर है निकल कर आया 207. तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, सिर्फ आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 245 एंड 1029 लीविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस. तो ये जो क्वेश्चन आता है आपका ट्रिकी क्वेश्चन और हॉट्स क्वेश्चन के अंदर इसे कवर किया जाता है. तो ये क्वेश्चन वैसे आपके बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन जो है हाई ऑर्डर जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए दिया जाता है, क्योंकि वो ये वही क्वेश्चन है जिनको स्पेशल टॉपर्स ही सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका वैसे ज़्यादा टफ नहीं है. सिंपली आपको इन्होंने कहा है कि अगर दो सारे के सारे केसेस में आपको आपको 5 रिमाइंडर या कुछ भी रिमाइंडर रखना है, तो आप क्या करो, सिंपली जो भी आपको नंबर गिवन है उसमें से दोनों को माइनस कर दो. तो यहाँ पर भी हमने 245 में से 5 को माइनस कर दिया और 1029 में से 5 को माइनस कर दिया. तो यहाँ पर हमारे पास जो दो नए नंबर्स आ गए वो आ गया आपका 240 एंड 1024. अब आपको सिंपली क्या करना है, वैसे भी लार्जेस्ट नंबर का मतलब मैक्सिमम नंबर का मतलब क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में HCF निकालना है. तो हमने क्या करा, 240 और 1024 का HCF निकाल कर फिर आपका आंसर निकल जाएगा. वैसे मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगी कि आप फैक्टर मेथड से तो करें, आप HCF निकालें तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि यूक्लिड में कभी कभी क्या होती है प्रॉब्लम हो जाती है. तो इसलिए आप फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर सकते हो. बाकी अगर आप यूक्लिड में परफेक्ट हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. तो हमें सिंपली सिर्फ इतनी सी बात माइंड में रखनी है कि अगर रिमाइंडर को लेकर क्वेश्चन आता है तो जो भी पर्टिकुलर नंबर गिवन है उसमें से क्या कर लीजिए और रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए, फिर दोनों का HCF निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, प्रूफ दैट 3-√5 इज एन इरेशनल नंबर. तो इस ये भी आपका इरेशनल नंबर का क्वेश्चन है. तो एक तो आपको नॉर्मल दे सकते हैं कि सिंपली √5 इज इरेशनल नंबर, √3 और आपको √7, √2 इस तरीके से, बट कोई भी डिजिट दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको रूल्स वही फॉलो करने हैं. आपको शुरू में ए अपॉन में बी या फिर पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख लीजिए. तो यहाँ पर भी आप हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लेट करेंगे कि आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है. अगर रेशनल नंबर में है तो इसका मतलब क्या है कि हम इसे पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी अपॉन में क्यू की फॉर्म में लिखने के बाद आपको इस तरीके से सॉल्व करना है कि आप जो रूट वाली चीज़ है ना उसको एकदम सेपरेट कर दो. रूट फाइव एकदम अलग होने के बाद आपका क्या बच जाएगा, 3q-p/q. तो हमने इसको भी मान लिया क्या कि ये भी आपका क्या, एक रेशनल नंबर है. बट √5 इज एन इरेशनल नंबर, जो कि हम ऑलरेडी सॉल्व करके आ चुके हैं. दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने अजम्पशन रॉन्ग किए हैं तो इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो गई है. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका 3-√5 है वो भी आपका इरेशनल नंबर है. तो ये जो आपका इरेशनल नंबर का क्वेश्चन आपका कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसको वेल प्रिपेयर कर लीजिए. और ये थे आपके बेसिकली इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं. और वैसे भी आपका रिवीजन का टाइम है, तो अगर ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छोड़ दोगे, तो उससे बेटर है कि आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करें जो कि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आपको दिलाने में हेल्पफुल करें. आपको करना पड़ेगा यहाँ पर स्मार्ट वर्क, ना कि हार्डवर्क. हार्डवर्क के चक्कर में आपके क्या होंगे, आप शायद थोड़ा इंटेलिजेंट तो हो जाओगे बट आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे और आपको जो होगा जो आपकी फेवरेट स्ट्रीम आपको शायद ना मिल पाए. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए. अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी आपके साथ क्लास टेंथ में है या फिर रिलेटिव्स जो हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए. और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल प्रगति क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे क्या होगा फ्यूचर में जो भी वीडियो डलेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, आप साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, हर सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उस जो उन सारी वीडियोज़ को भी ज़रूर देखिए, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. और जितने भी CBSE से लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं वो सारे के सारे भी हम अपने चैनल पर अपडेट करते हैं. तो इसलिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर सारी अपडेट्स को आपको ध्यान में रखना है, सब कुछ अपडेट रहना है, तो आपको सारी न्यूज़ यहाँ मिलती रहेगी. थैंक यू.